हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें डेट की एक लंबी सी सीरीज बनानी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस सीरीज में सैटरडे संडे काउंट ना हो, सिर्फ वीक डेज की वो सीरीज हो, तो उसके लिए हम एक आसान सा तरीका अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहली वाली डेट हमें टाइप करनी है, क्योंकि हमें ये डेट हमें ही लेनी, क्योंकि कहाँ से शुरू करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए कि पहली एक डेट यहाँ पे टाइप कर दी। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि इस डेट पे कोई सैटरडे या संडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने टाइप कर दिया, उसके बाद इसको हमने वापस से सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे होम टैब में। ये रहा होम टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ पर हमको फिल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये देखिए सीरीज का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, सीरीज पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए सीरीज का ये विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें एक लंबी सीरीज बनानी है डेट की, तो हमें कॉलम में बनानी, तो हमने कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइप में हमें डेट यहाँ पर टाइप करनी है, सॉरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें वीक डेज, ठीक है, क्योंकि हम वीक डेज चाहते हैं आए, सैटरडे संडे ना आए, तो वीक डेज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें स्टॉप वैल्यू यहाँ पर टाइप करनी है। स्टॉप वैल्यू मतलब कि वो डेट जहाँ पर स्टॉप हो रही हो, डेट हमारी जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए। तो हमने ये मान लीजिए कि एक डेट यहाँ पर टाइप कर दी, इस डेट डेट को हम चाहते हैं कि सीरीज जो है वो स्टॉप हो जाए। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ सैटरडे और संडे, सॉरी सैटरडे संडे छोड़ करके बाकी वीक डेज की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए,